हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैंड नीटिंग विद अनीता। आज ये हमने 2 साल से 3 साल तक के बेबी के लिए स्वेटर तैयार किया है। इसमें मेरी 200 ग्राम ऊन लगी है। वर्तमान की ऊन है, एक तो हमारी यहाँ 3 प्लाई की वूल है और एक ये जो रेड है ये सिंगल वर्तमान की ऊन है। इसको टोटल लेंथ इसकी हमारी बैठी है 14 इंच। 14 इंच की इसकी लंबाई है, चौड़ाई में है ये हमारी 10 इंच। 10 इंच चौड़ी है। बाजू की लंबाई टोटल लेंथ है 13 इंच और कंधे तक करते हैं तो 11 इंच की इसकी हमारी लंबाई है। कॉलर वाली 2 से 3 साल तक के बेबी के लिए ये स्वेटर हमने बनाकर रेडी की है। 12 नंबर की बॉर्डर में 12 नंबर और ऊपर हमने 10 नंबर की सिलाई इसमें यूज़ की है। ये हमारा बैक साइड। तो इसको बनाने का तरीका सारा मैं अभी आपको धीरे धीरे सारा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसका हमने कैसे बनाया है। मेरे बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किया हुआ है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हम 2 कलर्स की, ये मेरी 3 प्लाई की वूल है और ये हमारी सिंगल वर्धमान की ऊन है। इससे हम 3 साल के बेबी का स्वेटर बनाने जा रही हूँ। तो इसमें नीचे हमने ये देखिए पीछे का वर्त मैंने बना रखा है। 3 साल के बेबी के लिए मैंने इसमें डाले हैं 65 फंदे। ऊपर किया है हमने 72 फंदे। यहाँ पर ऊपर मेरे 72 फंदे हैं। 75 फंदे। तो बॉर्डर बनाया है हमने 12 नंबर की सिलाई से। 6 सिलाइयाँ पहले हमने इस कलर से बना ली। 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद ये रेड कलर की तरह ही है रंग कलर इसकी बनाई। फिर 2 ये लाइट कलर से, फिर डार्क से, फिर ये 2 लाइट से और ये 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद 4 सिलाइयाँ फिर हमने सिंपल बनाई हैं, उल्टी सीधी बनाई हैं। इसके बाद ये जो मैंने पैटर्न डाला है इस पैटर्न को मैं अभी पिछली वीडियो में आपको डाल चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। अब हम इसकी लंबाई चौड़ाई करेंगे कितनी हमने इसकी लंबाई रखनी है। इसकी लंबाई अब हमारी 8 इंच की, तो मैं कम से कम इसको 10 इंच की लंबाई हम इसकी रखेंगे। ये है हमारा बैक पार्ट और इसी तरह अब ये फ्रंट पार्ट हमने शुरू किया हुआ है। तो इन दोनों को मैं 10-10 इंच की लंबाई कर लेती हूँ। दोनों में मेरे इसमें 70, नीचे हमारे 70 फंदे हैं और ऊपर मैंने 75 फंदे किए हुए हैं। बॉर्डर बनाया 12 नंबर से, ऊपर हमने 10 नंबर की सिलाई से, ये देखिए हमारी ये 10 नंबर की सिलाई से इसको मैं अब आगे बना रही हूँ। तो मैं इस कम से कम 10 इंच की लंबाई हम इसकी करेंगे। अगर हम 11 इंच भी कर लें तो भी, क्योंकि 3 साल के बेबी के लिए हमें इतनी लंबाई रखनी पड़ेगी। तो मैं इसको लंबाई कर लेती हूँ और फिर उसके बाद जो गटाई और गला जो बनाएंगे उसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगी। ये अब हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट की लंबाई मैंने ये देखिए यहाँ पर 9 इंच, ये जो डिज़ाइन है यहाँ तक की है 9 इंच 3 साल के बेबी का, 2 से 3 साल के बेबी के लिए। उससे आगे फिर हमने की है यहाँ पर कंधे की गटाई। कंधे की गटाई हमारी हो गई है 5-6 इंच करेंगे इसमें। अभी मैं 4 सिलाइयाँ और बना दूँगी।
तो इसको मैंने कैसे घटाया ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखो ये घटाई, यहाँ पर सबसे पहले हमने घटाया, यहाँ पर है हमारे 75 फंदे, 75 फंदों में से 3 फंदे, 2 2 1 1 ऐसे करके हमने घटाया, 3 2 5 2 7 8 और ये 9 9 फंदे इधर से, 9 फंदे इधर से, 18 फंदे घटाने के बाद अब जो फंदे हमारे बच गए उसे हम ऊपर बना रहे हैं। तो इसकी बैक साइड की कंधे की लंबाई करेंगे हम 6 इंच के करीब। तो अब जो कोई भी कमी है वो भी मैं इसको पूरा कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने राइट फ्रंट पार्ट पे। फ्रंट पार्ट पे मेरी लंबाई इसकी देखिए, लंबाई 9 इंच हो गई है। ये देखो 9 इंच हो चुकी है मेरी। ये 10 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें बैक पार्ट में हैं। तो ये 10 लाइनें मैंने पूरी कर ली हैं। 10 लाइनें करने के बाद अब हम इसकी गला, इसका पट्टी के ऊपर जो पट्टी कॉलर वाला गला होता है बंद स्वेटर में, वो बना गला बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ हाफ फंदे करेंगे। 75 फंदे हैं तो 75 में से मैं 37 फंदे इधर कर लूँगी, 38 फंदे मैं इधर कर लूँगी, एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा है। तो 37 और 38 इस तरह करेंगे। 37 फंदों से, और जो साइड की घटाई है वो तो अभी 4 सिलाइयों के बाद करूँगी मैं, अभी 4 सिलाइयाँ मैंने इसमें और बनानी हैं, लेकिन गले की घटाई मैं अभी कर दूँगी। तो जो 37 फंदों में से 6 फंदे हों हाफ हाफ करने के बाद, पिचहत्तर फंदों में से पहले हम एक पट्टी के फंदे हटा देते हैं। एक फंदे हटा, 6 फंदे हम रखेंगे पट्टी के लिए, तो उस पट्टी के फंदों को निकाल देते हैं उसमें से, और बाकी बचे फंदों को हम इसमें आधा आधा कर लेंगे। तो यानी कि हमारे पास 75 75 फंदे हैं, उसमें से 6 फंदे हम पट्टी के हटा देते हैं तो हमारे पास बच जाएंगे 69 69 फंदे बच जाएंगे। 69 को हम आधा आधा करेंगे, यानी एक हमारी तरफ 34 फंदे होंगे, एक साइड हमारे 35 फंदे होंगे, या हम 7 फंदे पट्टी के रख लेंगे तो 34 34 फंदे हमारे पास कॉलर के उसके पर बच जाएंगे दोनों साइड। 34 फंदे एक साइड बनाने के बाद ये मैं बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये मैंने 34 और इस साइड में भी 34 फंदे हमारे बना लिए। डिज़ाइन के बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 6 फंदे, इस जो 68 फंदों में से 34 फंदे मेरे इधर रहेंगे, 34 और जो पट्टी के फंदे हमने एक्स्ट्रा रखे थे वो पट्टी के फंदे हम अब इस जो फ्रंट वाली ऊपर वाली पट्टी होती है उसमें रखेंगे। 2 3 4 5 6 फंदे, 6 फंदे पट्टी, ये ऊपर की साइड हमारी पट्टी रहेगी तो इसमें हमने रख लिए। और इसके लिए इस पट्टी में अब कम रह गए तो हम इसके लिए फंदे इसके पीछे से बिल्कुल सेम उठाएंगे, 6 फंदे हम इसके पीछे से उठाएंगे तो हमारे फंदे इसमें बराबर हो जाएंगे। तो ये इस तरह, पहले तो मैं इस हिस्से को बना लेती हूँ, फिर बाद में हम इस हिस्से को पीछे से नीचे से उठाएंगे तब इसके फंदे बराबर हो जाएंगे। अब ये हमारे पास 34 और 6 फंदे ये हमने 40 कर दिए हैं। इसी तरह इधर से ये 34 फंदे हैं, 6 फंदे जब हम पीछे से उठाएंगे तो इसमें भी हमारे बराबर बराबर हो जाएंगे फंदे। ये अब 4 सिलाइयाँ ये इसकी बनाने के बाद, जैसे ये पैटर्न चल रहा था इस पैटर्न को हम पूरा करेंगे, फिर हम यहाँ से कंधे की कटाई शुरू कर देंगे। इस पट्टी को अब हम सिंपल ऐसे ही बनाते चले जाएँगे। अब ये 6 फंदे बनाने के बाद इसको हम यहीं से ही टर्न कर जाएंगे, यहाँ से टर्न कर जाते हैं, यहीं से ये 6 फंदे पहले पट्टी के और उसके बाद हमारे जैसा भी पैटर्न है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे
बस ये एक सिलाई में हमने डालना है। उसके बाद यहाँ पर हम प्लेन, जैसे ये मैंने प्लेन बनाया है, इस तरह प्लेन इसको बनाऊंगी। और चार सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर हम इसकी कंधे की कटाई शुरू कर देंगे। अब ये दो सिलाइयाँ तो मेरी हो गई, अब मैं दो सिलाइयाँ और बना लेती हूँ, या फिर हम चाहे हम इसी सिलाई में घटा भी सकते हैं। तो ये मैं इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाती है। जिस तरह पैटर्न था उसी पैटर्न के हिसाब से ही हमने इसको, अब ऊपर हमने सिर्फ ये एक ही कलर से प्लेन बनाएंगे, ये ऐसे। अब इसमें यहाँ पे हम घटा देते हैं, एक दो, मैंने उसमें तीन घटाए थे शुरू में, तीन घटा दिए, दोबारा आएंगे दो घटाएंगे, फिर दोबारा आएंगे वो तीसरी बार आएंगे फिर दो घटाएंगे, तो तीन दो पाँच दो सात, और फिर दो बार हम एक एक फंदा घटा देंगे। तो इस तरह नौ फंदे इधर से और नौ फंदे इस तरह, और बीच में अब ये पट्टी हमारी बनती चली जाएगी। तो यहाँ पर एक बार मैं पट्टी तक आपको दोबारा फिर बताती हूँ। ये अब हमने सीधा सिंपल प्लेन उल्टी सिलाई में उल्टा, सीधी सिलाई में सीधा बनाना है। पट्टी के फंदे सिर्फ हम सीधे सीधे बनाएंगे। अब ये हमारे तीन और तीन छः फंदे थे, ये दो फंदे हमारे, ये पट्टी के हम फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, ये उल्टे बना लें। या फिर हम अगर बॉर्डर की तरह बनाना चाहें तो हम इसमें बॉर्डर की तरह भी बना सकते हैं इसको। तो ये हम आगे अब इसको मैं बना लेती हूँ, और फिर जब हम गले की कटाई इसकी करेंगे, पट्टी की कटाई करके गले की कटाई साथ ही करेंगे, तो तब मैं इतने इसका प्लेन बना लेते हैं। अब ये देखिए कंधे के मैंने घटाते बनाते बनाते इसको गले की बटन पट्टी बनाई हमने, तीन से थोड़ी सवा तीन इंच के करीब बनाने के बाद। और इधर से हमारी कंधे की लंबाई हो गई थी चार इंच बनाने के बाद, इधर से चार इंच होनी चाहिए, इधर सवा तीन इंच होने के बाद फिर हमने यहाँ पर गले के लिए घटाई की है। घटाई कैसे की है, शुरू में घटाए हैं हमने पट्टी के छः फंदे, ये देखो यहाँ पे पहले पट्टी के छः फंदे घटा दिए, उसके बाद हमारे पास चार तीन दो एक दस फंदे हमने और घटाए। पट्टी के फंदे घटाने के बाद फिर हमने चार तीन दो एक की घटाई दस घटाई की, दस फंदे घटाए हैं। यहाँ पर बच गए हैं मेरे पास पंद्रह फंदे, दस फंदे मैंने नौ फंदे इधर से घटाए थे और पंद्रह फंदे ये बच गए हैं, चार तीन दो एक की घटाई की है। इस तरह अब हमारी लंबाई कंधे की टोटल लंबाई 6 इंच हो गई है। ये भी देखिए 6 इंच की हमने टोटल लंबाई इसकी कंधे की है। अब ऐसे ही सेम हम अब दूसरी साइड से बनाएंगे। अब ये देखो मैंने ये 6 फंदे इस बिल्कुल इस पट्टी के पीछे से, जो पट्टी के 6 फंदे थे उन्हीं के नीचे से एक 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 फंदा उसमें से उठाया है। इन 6 फंदों को मिलाने से अब हमारे पास 34 फंदे ये थे, 6 फंदे हमने ये, वही 40 फंदे जैसे इसमें थे इसी तरह 40 फंदे हमारे इसमें हो गए। अब सेम ऐसे ही इतनी लंबाई करने के बाद गले की कटाई ऐसे ही चार तीन दो एक की कटाई करके, और हम इस गले को बना लेते पट्टी को, ये दूसरा हिस्सा जो हमने बनाना है वो बना लेते। ये अब हमारा दोनों साइड का गला बन के तैयार हो गया। ये देखिए कटाई कर दी मैंने, चार तीन दो एक की कटाई इधर थी, चार तीन दो की कटाई इधर कर दी, 6 इंच की लंबाई हमारी दोनों साइड से 6-6 इंच की है। और इस पट्टी को भी गिनने में हमने 16 मेरी लाइनें हैं तो 16 ही गिनने में दिक्कत भी नहीं आती और आराम से इसका बराबर हिसाब हो जाता है। अब इसको हम, ये मेरा बैक पार्ट भी हमने रेडी कर लिया, इसको अब हम आपस में जोड़ेंगे बैक साइड करके कंधे की साइड,
और इसको आपस में अब हम जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे? अब ये मेरे ऊपर 15-15 पंदे कंधे की साइड में बचे हुए हैं। पीछे की साइड में 15 फंदे इस साइड से जोड़ेंगे, 15 फंदे हम इस साइड से जोड़ के जो फंदे हमारे पास बचेंगे उसको हम गले के लिए रख लेंगे। तो इस तरह ये देखिए, एक फंदा इससे, एक फंदा इससे, दोनों फंदों को एक किया और हम यहाँ पर दो का एक कर देंगे। इसके दो का एक कर लिया, इसके ऊपर से उतार देंगे, दो का एक कर लिया, एक फंदा उस सिलाई का, एक फंदा आगे इस एक हिस्से का, दूसरी सिलाई का, दो फंदे का एक फंदा कर लेंगे और इसके ऊपर से उतार देंगे। ढीला ढीला ही रखेंगे हम, इसको टाइट नहीं रखें करेंगे। तो इस तरह ये दोनों साइड के कंधों को मैं जोड़ लेते हैं। फिर गले के फंदे उठाएंगे हम, ये इस तरह। अब ये देखो, हमने दोनों साइड से इसको जोड़ दिया, ये हमारा गला, ये देखो इसको जोड़ के तैयार कर दिया है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे अपनी कॉलर। तो कॉलर के लिए इधर से, इस साइड से हम यहाँ पर फंदे उठाना शुरू करेंगे इस धागे से। और ये यहाँ पर ये जो छः फंदे थे, छः फंदे के लास्ट का फंदा है ना, इसमें से यहाँ से हम उठा लेंगे इसको, यार पीछे कर देते हैं, एक 12 नंबर की सिलाई से इसको हम उठाएंगे। 12 नंबर की सिलाई से, अभी आधा गला तो हम बना लेंगे, 7-8 सिलाइयाँ तो हम बनाएंगे 12 नंबर से। और फिर उसके बाद जब 8 सिलाइयाँ, जब फोल्ड होने वाला हिस्सा होता है तो वो हम बनाएंगे 10 नंबर से। फिर हम सिलाइयाँ चेंज कर देते हैं ताकि वो ढीला ढीला ऊपर की फोल्ड करने में हमें अच्छे ढंग से वो फोल्ड होता है। फिर वो पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, और एक बंदा ये और इधर से ही धागे को टाइट कर देते हैं। 19 फंदे हमारे ये उठे हैं। अब 19 फंदे हम इधर उठाएंगे और पीछे हैं हमारे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 20 फंदे हमारे आगे हैं। 19, 19, एक एक और बना के हम 20 कर लेंगे। और 27 फंदे हमारे पीछे हैं, तो 20, 20, 40 और 60, 67 फंदे से इनसे हम गले को बना लेंगे। जितने हमें लंबा चाहिए, कम से कम 2.5-3 इंच के करीब हमें चाहिए, तो वो उतना लंबा हम बना लेते हैं। इसको बनाएंगे हम जैसे हमने बॉर्डर में बनाया है, दो सीधे दो उल्टे, और इसको इस तरह ही मैं ये दो 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 सिलाइयाँ बनाऊँगी। तो ये हम तैयार कर लेते हैं। ये अब हमारी कलर बनकर तैयार हो चुकी है। 20 फंदे हमने इधर से उठाए हैं, 20 फंदे हमने इधर से उठाए थे, 40 और 25-26 फंदे हमारे बैक साइड में थे। इस तरह 65-66 फंदों से ये हमने कॉलर बनाया। 4 सिलाइयाँ पहले सिंपल कलर, फिर उसके बाद जैसे हमने बॉर्डर में डाली है सेम वही वो हिसाब से बनाया है। ये वो हमारी मर्जी पर है, 2 इंच बनाएं, 3 इंच बनाएं, फोल्ड करके देखें जिस हिसाब से हमें अच्छा लगे। अगर ज़्यादा बड़ा करना चाहें तो वैसे पर, लेकिन बच्चों के लिए हमें इतना ही बहुत रहता है।
ये देखिए ये ऐसे बिखरने, तो देख बैक साइड हमारी, ये हमारी बैक साइड, तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट बनकर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम बनाते हैं अपनी बाजू, ये हमारी बाजू बन रही है। बाजू में हमने 40 फंदे नीचे डाले हैं, जैसे फ्रंट पार्ट का बैक पार्ट का बॉर्डर बनाया उसी तरह दो सीधे दो उल्टे, चार सिलाइयां पहले इसकी बनाई, फिर दो, फिर ये दो, फिर दो, और फिर उसके बाद ये चार सिलाइयां बनाते हुए अब हम ये इसकी ऊपर बना रहे हैं। ऊपर हम मैंने इसमें दूसरा डिज़ाइन था और इसमें हमने दूसरा डालना पड़ा। इसका कारण भी मैं आपको बता देती हूँ। जब हम यहाँ इसमें तीन फंदों के अंदर से एक वो बनाते हैं, तीन फंदों को उतारते हैं एक फंदे को इस डिज़ाइन में, तो हमारा धागा पीछे से ऐसे जाता है। बच्चों को अगर हम पहनाएंगे तो हमारे बच्चों की उंगलियां इसमें फंसेंगी, अटकेंगी, तो इसलिए हमें पहनाने में दिक्कत आएगी। ये इसलिए मैंने इस फ्रंट में और बैक में इसमें डाले, बाजू को पहनाने में दिक्कत आती, इसलिए हमने ये दूसरा। अब इसमें देखिए बीच को पीछे से धागा नहीं जाता, इसमें से ये धागे जाते हैं, इसलिए हमने ये डिज़ाइन बाजू में नहीं डाला है। अब इसमें 40 फंदे को बॉर्डर बनाने के बाद हर छठी सिलाई में हमने एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऊपर जाकर हमारे यहाँ पर हो गए हैं 62 फंदे, 62 फंदे, 64 फंदे या 66 भी कर लेता हूँ हमें कोई बात नहीं है, पर 64 फंदे होने ज़रूरी हैं। और थोड़ा हेल्दी अगर बेबी, हमें लगता है कि हमारा बेबी ज़्यादा हेल्दी है, तो हम इसमें 70 फंदे भी कर सकते हैं इस डिज़ाइन को डालते हुए। अब हम मेरी लंबाई, उसमें मैंने 10 निबियाँ ही डाली थी इसमें क्रीम, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 9वीं डालूँगी, और उसके बाद एक हमारी इसमें हमारी 10 हैं, तो उसी हिसाब से लंबाई मैं रख रही हूँ। अब इसमें जो ये डिज़ाइन हमने डाला है, ये कैसे डाला है इसके बारे में आपको एक बार हम बता देते हैं। दो फंदे पहले हम सीधे बना लेंगे, सिंपल। वैसे तो मैं इस डिज़ाइन को कई स्वेटरों में डाल चुकी हूँ, लेकिन इस स्वेटर के लिए अलग से बता देती। दो फंदे सीधे बनाने के बाद धागे को हम आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, उल्टे वाले दोनों फंदों को इस सिलाई में हम वापस उतार लेंगे, धागे को उन दोनों सिलाइयों के बाद पीछे करेंगे। अब दोनों फंदों को हम इनको उतार लेंगे, फिर धागे को आगे करेंगे। सिर्फ ये दो फंदों का है हमारा, दोनों फंदों को बना लिया, वापस उसी सिलाई में उतार लिया, धागे को दोनों सिलाइयों के बीच में से पीछे किया, दोनों फंदों को ऐसे ही उतार लिया, ये हमारा बन गया। अब फिर धागे को आगे करेंगे, ऐसे हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई सवारी हमारी उल्टी उल्टी है, और उसके बाद ये चार सिलाइयों का है, दो एक सिलाई डिज़ाइन की, एक बैक साइड उल्टी, फिर उसके बाद एक सीधी एक उल्टी, हर चार सिलाई के बाद कलर बदलते जा रहे हैं हम। तो इस तरह ये मैं इसकी लंबाई कर लेती हूँ, और फिर इसकी जब कटाई करेंगे तो वो मैं आपको एक बार फिर बता दूँगी। वैसे ही होगी जैसी हमने बैक पार्ट फ्रंट पार्ट में किया, 4 3 2 3 2 2 1 ऐसे घटाते हुए 20 फंदे हम घटा देंगे, बाकी फंदों को हम इकट्ठा बंद कर देंगे। तो वो मैं एक कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाएंगे। ये अब हमारी बाजू कंप्लीट हो गई है, घटाई हमने कर दी है। घटाई कैसे की, पहले 3 फिर 2 फिर 2 1 3 2 2 1 3 2 5 2 7 1 8 फंदे घटाने के बाद फिर 2 फिर 2, यानी टोटल हमने घटाए हैं 12 फंदे। ऐसे ही 3 2 2 1 2 2 12 फंदे इधर से घटाए, 12 फंदे इधर से घटाए, 64 फंदे थे हमारे पास। 24 फंदे घटाने के बाद हमारे पास बच गए 40 फंदे। अब इन 40 फंदों को हम एक साथ बंद कर देंगे,
ऐसे एक के ऊपर से एक उतारते जाएंगे, बुनाते जाएंगे ऐसे करके। और अब हम ये सारे फंदे बंद कर देते हैं। भाभी। हाँ भाई आ जाओ। अब ये हमारा बाजू बनकर मैंने तैयार कर दी है, सारे फंदे यहाँ से बंद कर दिए। अब करते हैं हम इसकी सिलाई। इसकी सिलाई करने के लिए ये देखिए हमारे बैक पार्ट का जोड़ है, यहाँ बैक पार्ट का जो जोड़ है, फ्रंट पार्ट का, बैक पार्ट का, इस जोड़ में हमने ये धागा यहाँ पर दिया हुआ है। जब हम इसको जोड़ते हैं तभी हम इस धागे को छोड़ देना चाहिए एक्स्ट्रा, ताकि हमारे ये सिलने के काम आए, तो हमारे ये स्वेटर भी ढीली नहीं होती यहाँ से। अब इसको हम स्वेटर सिलने वाली अलग से सुई आती है जो हमारे मोटे नोक की होती है, ये देखिए, तो उसमें हम धागा डालते हैं। अब अगर हम यहाँ से इसको, अब ये देखिए यहाँ पर हमारी कटाई शुरू हुई है बाजू की, और इसको हम यहाँ से नापना शुरू करें, इसको बराबर बराबर चलते जाएंगे, तो हमारा बिल्कुल ये दोनों साइड का इसको ऐसे आगे तक लेके जाएंगे, तो ये हमारे बिल्कुल यहाँ पर बराबर आएगा, ये देखिए दोनों हिस्सों का। और अगर हम इसको अलग से, अब हमने जैसे हमारा ये बीच का दोनों हिस्सों का सेंटर है, जोड़ है, इस जोड़ को और बाजू को हम हाफ हाफ ऐसे कर लेते हैं, और ये हिस्सा, ये हमारा हिस्सा जो है बीच का, इधर से इसका जो इधर का सेंटर का है, इसको एक बार यहाँ पर हम सुई से इसमें यहाँ पे इसको ऐसे जोड़, ये देखिए अब हमारा ये जोड़ लग गया यहाँ पर, ये हमने जोड़ हाफ़ हाफ हिस्से में, बाजू के हाफ हिस्से में। अब इसका हिस्सा इधर को जोड़ देंगे, इससे इधर को जोड़ देंगे, तो ये हमारा बिल्कुल बराबर बराबर आएगा। इसकी सिलाई कैसे करते हैं, वैसे तो अगर हम सिंपल ऐसे करके भी करना चाहें तो वो भी हो जाती है सिलाई, लेकिन मैं हमेशा इसकी से स्वेटर की सिलाई या कोई सी भी सिलाई हो ऐसे दोनों ऐसे इसके बीच में से डबल, ये डबल सिलाई हो जाती है, जो बिल्कुल ढीली नहीं होती, ना ही वो उधड़ती है। ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे धागे को, लूज़ लूज़ ही रखेंगे, इतना लूज़ भी नहीं कि वो जोड़ दिखने लग जाए, बस बराबर खींच के ऐसे इसको सिल देंगे, इस हिस्से को इधर से ऐसे ही बाजू को, इस दूसरी बाजू को भी हमारा ये छेद सील कर, फिर हमारा फ्रंट और बाजू की सिलाई अभी हम सील कर तैयार कर लेते हैं। ये अब हमारी स्वेटर बनकर तैयार हो चुकी है। 200 ग्राम ऊन के अंदर ये लगी है, बनी है। अगर हम घन बनाने वाले हैं तो हम 150 से 200 रुपये के बीच में इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर मेरे बताने का तरीका, मेरे बनाने का तरीका, मेरे पैटर्न डिज़ाइन आपको कुछ भी पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बाय।